जय सीताराम भाई, सबको तो भाई पेटी भर के अपडेट है आज की इस वीडियो के अंदर। आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कल के स्मैकडाउन के बारे में। तो भाई कल का स्मैकडाउन को एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन शो था, उसका व्यूअरशिप भी काफी अच्छा निकलकर सामने आया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कल का स्मैकडाउन का व्यूअरशिप 2.154 मिलियन निकलकर सामने आया, जो की मेरे ख्याल से भाई काफी अच्छा व्यूअरशिप। देखो भाई बस व्यूअरशिप 2 मिलियन से ऊपर आ रहा है, मतलब आप लोग समझ लो कि भाई मतलब शो बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब 2 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है। और मेरे ख्याल से भाई जब ओवरऑल जो व्यूअरशिप का नंबर निकल कर सामने आएगा तो मेरे ख्याल से 2.2 मिलियन के अप्रोक्स व्यूअरशिप निकल कर ही आएगा सामने। नेक्स्ट में बात करते हैं एडम पियर के बारे में, जिनके बारे में भाई कोई अपडेट नहीं, पर हाँ मुझे आपको उनका कुत्ता दिखाना। आप लोग देख सकते हैं भाई कितना कमाल का उनके पास डॉग है। रिसेंट टाइम में एडम पियर ट्विटर के ऊपर अपने डॉग का फोटो डाले हैं। भाई मुझे सच में मुझे पर्सनली डॉग बहुत पसंद है, हाँ फैमिली वाले अलाउ नहीं करते क्योंकि भाई हमारे घर में ऐसा रूल बना हुआ है। नेक्स्ट में बात करते हैं AEW कंपनी को कोलिजन शो के बारे में। तो भाई रिसेंट टाइम में जो कोलिजन शो हुआ था उसके अंदर भाई हमें डैनियल ब्रायन की तरफ से बड़ा कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला। आप लोग लिटरली वीडियो देखो भाई, डैनियल ब्रायन के आंख का कितना बुरा हाल हो चुका है, डैनियल ब्रायन का पूरा आंख बिल्कुल इंजर्ड हो चुका है। और भाई मेरे ख्याल से आप लोग AEW कंपनी का कोई भी वीकली शो आप लोग देखो भाई, उसके अंदर ब्लड आपको 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हर एक शो के ऊपर ब्लड आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से भाई AEW वालों को इस चीज को लेकर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि भाई रिसेंट टाइम बहुत सारे उनके रेसलर ऑलरेडी इंजर्ड हो चुके हैं। आप लोगों ने देखा था कल मैंने केनी ओमेगा के बारे में बताया था, वो भी भाई रिसेंट टाइम ऑपरेशन वगैरह सारा चीज करवाए। तो मेरे ख्याल से AEW कंपनी के अंदर बहुत सारे रूल बनाए गए, पर भाई मेरे ख्याल से कुछ और रूल का उनको जरूरत है। वैसे अगर हम लोग डैनियल ब्रायन के बारे में बात करें तो भाई अभी उनके कैरियर का सबसे प्राइम चल रहा है, वो इसी साल रिटायर होने वाले, इसलिए इतने कमाल के मैचेस और रेसल कर रहे हैं। बात करते हैं TLC PPV के बारे में। तो भाई आज के एग्जैक्टली 5 साल पहले हमें 2018 के अंदर हमें TLC PPV देखने को मिला। और मैं पर्सनली जब से रेसलिंग देखना शुरू किया हूं मुझे इस PPV का याद है, मतलब मैं इसी टाइम से रेसलिंग देखना शुरू किया था। अप्रोक्स में आपको बता, रोमन रेंस WWE कंपनी छोड़कर गए थे, उस टाइम पर डीन एम्ब्रोस का हेल्टर हुआ था, डैनियल ब्रायन का हमें कमाल का हेल्टर देखने को मिला, वो दोनों लोग TLC के अंदर चैंपियन बने थे। उसके बाद डैनियल ब्रायन अपना कस्टमाइज चैंपियन शर्ट लेकर आए, उस टाइम पर उतना खास स्टोरी WWE कंपनी के अंदर नहीं चलता था, पर हाँ मुझे याद है उस टाइम का सारा स्टोरी। नेक्स्ट में बात करते हैं कैरियन क्रॉस के बारे में, जिनको लेकर एक्चुअल क्या प्लान है, डब्ल्यू वाले ने इस चीज को शायद से थोड़ा सा रिवील किया। करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डब्ल्यू वाले कुछ बड़ा सोच रही है करेंट टाइम में कैरियन क्रॉस के लिए रेसलमेनिया के अंदर। एज फॉर रिपोर्ट इनको एक बहुत बड़ा मैच भी मिलने वाला है। आपको बता दूं इनके अपोनेंट कौन से रेसलर होने वाला है ये अभी तक रिवील तो नहीं हुआ है, पर भाई इनके बारे में बहुत सारा एक्चुअल प्लानिंग चल रहा है। ये भी जा रहा है कि भाई डब्ल्यू वाले इनको शायद से अपना एक फ्रैक्शन भी, पर्टिकुलर एक फ्रैक्शन भी दे सकते हैं। भाई जो भी होगा आपको पास्ट के अंदर देखने को मिलेगा, पर शायद से डब्ल्यू वाले अब सीरियस लेना शुरू कर दी है कैरियन क्रॉस। नेक्स्ट में बात करते हैं अपने ट्रैवल चिप रोमन रेंस के बारे में। तो भाई यहाँ पर डब्ल्यू वाले ने एक नया ट्रेडमार्क फायर कर दिया है ट्राइबल हेयर के नाम से। और भाई मुझे जहां तक लगता है भाई एक्चुअली जो मतलब पूरा जो गेम चलने वाला भाई यहीं से सारा गेम स्टार्ट होने वाला है। रोमन रेंस जो है वो सोलो सिकोवा को भाई ट्राइबल चिप नहीं बनाएंगे, ट्राइबल हेयर बनाएंगे, जो कि ट्राइबल चिप से नीचे का पोजीशन होगा। उसके बाद शायद से फिर सोलो सिकोवा फाइट करने वाला कि मुझे ट्राइबल चिप बनना है, मैं तुम्हें हराकर ट्राइबल चिप बनूंगा। डब्ल्यू वाले भाई इस नाम को लेकर कुछ ना कुछ करने वाली है जरूर से, डब्ल्यू वाले ऐसे ही किसी चीज का ट्रेडमार्क नहीं करवाते। बस कुछ वीक आप लोग वेट कर लो, आपको ब्लड एंड का स्टोरी लाइन के अंदर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग तो भाई करेंट टाइम जिमी उसो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। भाई जिमी उसो को ऐसा लग रहा है कि मतलब उनको नया ट्राइबल चीफ बनना चाहिए। मे बी आप लोग रेसलमेनिया तक वेट कर लो भाई, रेसलमेनिया से पहले आपको सारा चीज क्लियर हो जाने वाला है। बात करते हैं पापा की परी के बारे में। तो भाई पापा की परी अब 1 साल तो भाई उड़ नहीं सकती, तो भाई उनके बारे में गुड न्यूज भी निकल कर सामने आया। गुड न्यूज ये कि भाई डब्ल्यू वाले अब सालर फेयर को पुश नहीं कर सकते, तो डब्ल्यू वाले सालर फेयर के जगह पर एक न्यू फीमेल रेसलर को बिल्ड करने वाले। भाई मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा गुड न्यूज है कि भाई कोई ना कोई फीमेल रेसलर का मतलब जिंदगी बनने वाला फिर से WWE कंपनी के अंदर। जनरली जब सालर फेयर जैसे जब बड़ी रेसलर रहती है तो हमेशा उनको टेलीविजन के ऊपर मौका दिया जाता है, पर शायद से WWE वाले अब मौका किसी और को भी देने वाले, शायद कुछ और रेसलर को भी साइन करने वाले अपने कंपनी के अंदर। वैसे भाई मैं आपको दिखाना भूल गया था, आप लोग ये पूरा लिस्ट देखो, ये उन सारे रेसलरों का लिस्ट है जिसको WWE वाले इस साल फायर किए। ये सारे के सारे इतने सारे रेसलर दिसंबर मंथ के अंदर सारे लोग फ्री एजेंट बनने वाले हैं। भाई लिटरली आप लोग ऐसा कहो कि एक रेसलर का मेला लगने वाला जिसके अंदर बहुत सारे कंपनी आकर रेसलर को खरीदने वाली है। ख्याल से कुछ रेसलर जापान रेसलिंग के अंदर जा सकते हैं, कुछ रेसलर इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर जा सकता है, कुछ रेसलर AEW कंपनी के अंदर जा सकते हैं। करेंट टाइम अगर हम लोग AEW कंपनी का बात करें तो भाई करेंट टाइम मैट रिडल का काफी ज्यादा रूमर आ रहा है, जो कि शायद से AEW कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट डे से AEW कंपनी वाले बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे मैट रिडल को साइन करने के। तो मेरे ख्याल से भाई जितने भी बड़े बड़े रेसलर हैं शायद से किसी और कंपनी के अंदर शायद से ज्वाइन कर लेंगे बहुत ही। भाई अगर आप लोगों ने सुना होगा तो भाई कुछ टाइम पहले ये भी रिपोर्ट आई थी कि भाई AEW वाले भी अपने कंपनी के अंदर बहुत सारे बजट कट करने वाले। आप लोग देखो यार AEW वाले कितने अच्छे हैं कि भाई अभी करेंट टाइम उन्होंने कोई भी बजट कट वगैरह नहीं किया। इनफैक्ट कोडी रोड्स और CM Punk AEW कंपनी से छोड़ कर आया, तो भाई वो अपनी गलती की वजह से छोड़ कर आया, वो खुद से छोड़ कर आया, AEW वाले उनको निकाले नहीं। देखते हैं यार AEW कंपनी की तरफ से हमें कब बजट कट देखने को मिलता है, कौन कौन से रेसलर हमें देखने को मिलता है WWE कंपनी के। नेक्स्ट में बात करते हैं CM Punk के बारे में। तो भाई CM Punk रिसेंट टाइम इंटरव्यू के अंदर इस बात को बोले कि मुझे सबसे पहले सेथ रॉलन से नहीं निपटना है, मुझे सबसे पहले डॉमडॉम से निपटना है। CM Punk बोलते कि जब डॉमडॉम 8 साल का था तभी से मेरा बुरा नजर उसके ऊपर था, मैं तभी से उसको मारना चाहता था, पर जब वो 8 साल का था तब वो लीगल एज का नहीं था इसलिए मैं उस टाइम पर नहीं मार पाया था, पर भाई अब मैं उसको
बहुत बुरी तरीके से मारने वाला हूं। आपको पता है भाई डब्ल्यू वाले ने इनको लाइव इवेंट के अंदर इनका मैच भी दे दिया, तो भाई उस दिन आपको बहुत ज्यादा कुटाई देखने को मिलेगा डॉम डॉम। अगर मुझे अगर उस लाइव इवेंट का वीडियो मिल गया तो भाई मैं आपको डेफिनेटली दिखाने वाला हूँ किस तरीके से कुटाई यहाँ पर डॉम डॉम का चल रहा है। बात करते हैं लिम मॉर्गन के बारे में, तो भाई लिम मॉर्गन रिसेंट टाइम में गांजा फूकते हुए पकड़ी गई थी, पर भाई डब्ल्यू कंपनी का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है ये रिवील हो चुका है। भाई करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डब्ल्यू वाले को कोई भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं हुआ लिम मॉर्गन का इस मतलब हरकत के वजह से। मैं आपको बता दूं करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लिम मॉर्गन करेंट टाइम में डब्ल्यू कंपनी से ऑलरेडी छुट्टी पर ही गई थी। तो कोई भी रेसलर जब छुट्टी पर जाता तो जनरली डब्ल्यू वाले उसे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। और अगर आपको नहीं पता तो भाई अमेरिका के अंदर गांजा फूकना लीगल है, पर आप मतलब एक फिक्स अमाउंट में फूक सकते हैं, आप घर के अंदर बैठकर फूक सकते हो। भाई लकली करेंट टाइम में लिम मॉर्गन के साथ सारा चीज सही हो चुका है, लिम मॉर्गन आपको शायद रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिल भी सकती है। हाँ मैं आपको बता दूं भाई लिम मॉर्गन जो अरेस्ट हुई थी बस वो कुछ घंटे के लिए हुई थी, ऐसा बिल्कुल नहीं कि लिम मॉर्गन दो या तीन दिन के लिए अरेस्ट हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं लोगन पॉल और जैक पॉल के बारे में, तो भाई डब्ल्यू वाले इन दोनों के भाई को लेकर मतलब कुछ प्लान करने ही करने वाले, ऐसा मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं। रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जैक पॉल और लोगन पॉल या तो टैग टीम मैच के अंदर फाइट करेंगे रेसलमेनिया के अंदर, या फिर एक दूसरे के अगेंस्ट में फाइट करेंगे। लिटरली भाई अगर डब्ल्यू वाले रेसलमेनिया के अंदर अगर लोगन पॉल वर्सेस जैक पॉल का मैच करवा देते तो भाई मेरे ख्याल से बहुत कमाल का चीज होगा। जैक पॉल कितने कमाल का फाइटर, मैं आपको कल ही वीडियो दिखाया था भाई, जैक पॉल लिटरली भाई एक पंच में किसी का मतलब सर फाड़ देते हैं। तो भाई मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले कुछ ना कुछ जरूर प्लान इन दोनों भाई को लेकर बना रहे, आपको कुछ टाइम बाद ये चीज देखने को ही मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ 2023 के अंदर सबसे बेस्ट चीज क्या क्या हुआ, उसका भाई पूरा लिस्ट निकल कर सामने आ चुका है। सबसे पहले भाई बेस्ट रेसलर और बेस्ट सुपरस्टार का यहाँ पर अवार्ड गुंथर को मिला, जो कि पूरे 2023 के सबसे बेस्ट रेसलर भी थे। नेक्स्ट इसके बाद बेस्ट अगर फीमेल रेसलर के बारे में बात करें तो भाई ये अवार्ड यहाँ पर रिया रिपली के पास गया। इसके बाद बेस्ट टैग टीम में आपको बताया था जजमेंट डे, उसके बाद बेस्ट मैच ऑफ द ईयर भाई ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सेमस वर्सेस गुंथर में आपको बताया। उसके बाद बेस्ट रिटर्न ऑफ द ईयर सीएम पंक को मिला, उसके बाद बेस्ट चैंपियन ऑफ द ईयर गुंथर को मिला। तो भाई आप लोग समझ लो गुंथर का परफॉर्मेंस इस पूरे साल के अंदर सबसे बेस्ट रहा, उनको तीन तीन रिवार्ड मिला। सबसे पहले बेस्ट रेसलर ऑफ द ईयर, बेस्ट चैंपियन ऑफ द ईयर और बेस्ट सुपरस्टार ऑफ द ईयर का भी इनको अवार्ड मिला। अगर आप लोगों को अगर कुछ अगर टिप्पणी गुंथर के बारे में करना तो भाई सारे लोग कर भी सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। वैसे भाई आज सुबह मैं ट्विटर के ऊपर जस्ट मैं न्यूज ढूंढ रहा था भाई, तभी मेरे सामने ये वाला फोटो आया जो कि शील्ड का फोटो था। और आप लोग यहाँ पर देखो भाई सीएम पंक एक्चुअल जो बंदा है जो कि एक्चुअल शील्ड वाला कॉन्सेप्ट लेके आया था, शील्ड को लाने वाला बंदा सीएम पंक ही था। दूसरी चीज भाई शील्ड हमेशा से वो फ्रैक्शन रहा जिसके अंदर हमेशा से सिर्फ तीन ही मेंबर रहे हैं, तो क्या डब्ल्यू वाले रोमन रेंज सेथ रॉलिंस और सीएम पंक को लेकर नया एक शील्ड बना सकते हैं? यार पॉसिबिलिटी इसका बहुत कम है, पर डब्ल्यू वाले डीन एम्ब्रोस को यहाँ पर सीएम पंक से रिप्लेस कर सकते हैं, इसका हाई चांसेस है। देखो यार मैं आपको बता दूं ये सिर्फ मेरा सोचना है कि डब्ल्यू वाले ऐसा फ्यूचर के अंदर शायद से कर सकते हैं, अगर आपको लगता है तो भाई सारे लोग बता सकते हैं। पर भाई अगर डब्ल्यू वाले अगर ये चीज कर देते तो भाई मेरे ख्याल से उससे बेहतरीन चीज कुछ भी नहीं होने वाला। वैसे भाई पिछले एक मंथ में जितने भी रेसलर वापस आए डब्ल्यू कंपनी के अंदर आप लोग जरा देखो यार भाई सारे लोग में मतलब कितना कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिला। सबसे बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन भाई मैं पर्सनली एजे स्टाइल का मानता हूँ भाई, एजे स्टाइल नेक्स्ट लेवल का लग रहे थे मतलब कल के शो को। और डब्ल्यू वाले अगर फिर से अगर इनको पुराने टीम के अंदर डाल दी तो भाई मैं लिटरली गाली देने वाला हूं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपल थ्रेड मैच के बारे में, जो कि भाई आपको देखने को मिलने वाला एले नाइट वर्सेज एजे स्टाइल वर्सेज रैंडी ऑर्टन के बीच। तो भाई इस मैच के बारे में क्या पूरा रिपोर्ट है, पूरा रिपोर्ट निकल कर सामने आ चुका है। सबसे पहले भाई आपको ये वाला मैच आपको न्यू ईयर इवोल्यूशन आपको शो के ऊपर देखने को मिलेगा, जो कि भाई स्मैकडाउन का ही एक शो होने वाला है। मैं आपको ऑलरेडी बताती हूं भाई स्मैकडाउन का ही शो होने वाला है, 5 तारीख को होने वाला, पर स्पेशल थोड़ा सा शो होगा। भाई अगर हम लोग इस ट्रिपल थ्रेड अगर मैच के विनर के बारे में बात करें तो भाई ये चीज बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि रैंडी ऑर्टन इस मैच के अंदर विन करेंगे। प्रोबेबली इस मैच के अंदर एले नाइट शायद से पिन हो सकते हैं, उसके बाद आपको एले नाइट और एजे स्टाइल के बीच में आपको मैच देखने को मिलेगा। और इस चीज का प्रेडिक्शन मैं आपको कल सुबह ही बता देती हूं, भाई रैंडी ऑर्टन जाने वाले रोमन रेंज के अगेंस्ट और यहां पर एजे स्टाइल जाने वाले एले नाइट के अगेंस्ट। तो बस आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो भाई, आपको सारा चीज बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। वैसे भाई आज का वीडियो इतना ही था, तो भाई वीडियो पसंद आया तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक कर देगा, जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट बात करना है सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।